आज हम आपको लेकर चलते हैं बेस्ट मोटिवेशन की ओर, जहां सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इंतहाम भी उनके जबरदस्त होते हैं। इसलिए कभी ये न सोचना कि गॉड ने आपको इतनी प्रॉब्लम्स क्यों दी हैं। काम उसी को दिया जाता है जो उस काम को करने के लायक होता है, और भरोसा भी उसी पर किया जाता है जो भरोसा करने लायक होता है। इसलिए यदि आपको सफलता हाथ नहीं लग रही है, असफलता हर बार अपना बुरा मुंह लेकर आपके सामने आ जाती है, और प्रॉब्लम्स तो जैसे कि आपकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है, तो घबराना मत बल्कि खुश होना, क्योंकि गॉड आपसे कोई बड़ा कार्य करवाना चाहता है। वह आपके छोटे छोटे प्रयासों से खुश नहीं है, बल्कि वह चाहता है कि आप कोई बड़े प्रयास करें, ताकि आपकी सफलता भी जबरदस्त हो। वह आपको बहुत से काम देकर, वह आपको बहुत सी समस्याएं देकर आपको किसी बड़े कार्य के लिए तैयार करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप इतने मजबूत हो जाएं कि छोटी छोटी समस्याएं या कुछ असफलताएं आपके कॉन्फिडेंस को डिगा भी नहीं पाए, और आप सफलता की राह पर चलते रहें और एक दिन ऐसी सफलता प्राप्त करें जो आपको चमकता हुआ सितारा बना दे। आप ये भी समझ लीजिए कि आपको किसी बड़े कार्य के लिए तैयार किया जा रहा है। चलते रहिए, लगातार चलते रहिए। जो प्रॉब्लम सीना तान कर आपके सामने आती जाए, उन्हें एक एक करके सॉल्व करते जाइए। यदि बहुत सी समस्याएं एक साथ आ जाए तो घबराना मत, सोच में मत डूब जाना कि अब क्या करूं, बल्कि उन्हें एक कागज पर लिख लीजिए और एक एक करके उन्हें हल करते रहिए। रुकना नहीं, ध्यान रखना, रुकना नहीं बल्कि चलते रहना है, चलते रहना है, वह भी सही रणनीति के साथ और सही दिशा में। आप इस लायक है कि सफलता आपके कदम चूमे, इसलिए भगवान और प्रकृति के द्वारा आपको चुना गया है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आप ये मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं। इसका मतलब आप सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बेस्ट मोटिवेशन आपके अंदर एक जबरदस्त ऊर्जा भर देगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, सफलता के रास्ते में आपको बहुत से ऐसे रास्ते मिलेंगे जो आपको भटकाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आपको भटकना नहीं, आपको चलते रहना है सफलता के संकल्प के साथ। किसी ने सही कहा है कि विकल्प बहुत मिलेंगे, रास्ता भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। क्या हुआ कि आपके सपने बड़े हैं? क्या हुआ आपके सामने बहुत सी समस्याएं पर्वत के समान तनकर खड़ी है? क्या हुआ कि आप बार बार अपनी मंजिल से फिसल रहे हैं? फिसलिए, फिसलने में कोई बुराई नहीं है। बुराई तो तब होगी जब आप फिसलने के बाद दोबारा कोशिश करना छोड़ देंगे। और दोस्तों, यहाँ पर मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं, जो आपको बेस्ट मोटिवेशन देंगी। नन्नी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, और चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश करना कभी मत छोड़ना। आपके सपने कितने भी बड़े क्यों न हो, आपको प्रयास करते रहना चाहिए। मंजिल पाने की एक आग आपके अंदर होनी चाहिए, यही आग आपको सफलता के रास्ते में रोशनी का कार्य करेगी। जहां भी आपको अंधेरा नजर आएगा, वहां आपके अंदर जल्दी यही आग का जुनून काम आएगा। बस इतना समझ लीजिए कि ख्वाहिशें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पूरी हो सकती हैं, बस आपका दिल जिद्दी होना चाहिए। आप समुद्र हो, आपको चुना गया है, ध्यान रखिए। प्रत्येक समस्या की अपनी एक तपन होती है। जब आपके सामने कोई समस्या आए तो उसकी तपन में झुलसना मत, बल्कि समुद्र की तरह अपने अंदर इतनी शीतलता भर लेना कि हर समस्या के सामने सीने तान के खड़े हो सको। जिंदगी की तपिश कितनी भी क्यों न हो, कभी हताश न होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों न हो, समुद्र कभी सूखा नहीं करते। अपने अंदर ये विश्वास भर लो कि आपको चुना गया है, और ये सही भी है, क्योंकि सभी को चुना नहीं जाता। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ करने में समर्थ हैं, दुनिया भर की सुविधाएं उन्हें दी गई हैं, लेकिन वे कोई नया काम नहीं करते, वे कोई सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। क्यों? ऐसा इसलिए है कि क्योंकि उन्हें बड़ी सफलता के लिए नहीं चुना गया है, और जिसको चुना गया है उनके इंतजाम भी जबरदस्त लिए जाते हैं। यदि आप ऐसे हैं कि समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ती, तो समझ लीजिए कि आपको ही चुना गया है। वह आपकी मर्जी है कि इतना कुछ जानने के बाद भी आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। सब कुछ छोड़िए, बड़ी उड़ान, लंबी छलांग का इरादा बना लीजिए, और एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो प्रत्येक मंजिल जिसके आपने सपने देखे थे खुद आपको अपना रास्ता बताएंगी। क्योंकि जब इरादा बना लिया है आसमान का, तो फिर देखना फिजूल है तद आसमान। दोस्तों, ये मोटिवेशनल वीडियो में अगर आपको 1% भी सच्चाई लगी हो, तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मिलती रहे नई नई ऐसी मोटिवेशनल वीडियो।